वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो क्लास सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और इवन उसके बाद वाली क्लासेस, सभी क्लासेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी टॉपिक है। देखो, एक बार समझ लोगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेंगी। ठीक है, देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखो एक्सपोनेंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, आपने देखा होगा, देखो आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या लिख सकते हो आप, टू पावर थ्री। अब जो आपने टू पावर थ्री लिखा है, ये टू की पावर थ्री है, तो देखो ये टू क्या है, इसका बेस, और जो ये थ्री है ये इसकी पावर है, या इसको आप क्या कहते हो, एक्सपोनेंट्स। तो इन एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या लॉज है, तो ये आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल ईजी टॉपिक्स हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट रूल है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर आप देखो, ए जो है दोनों में सेम है, यानी जो बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, कब, जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर मैं ले लूँ ए अपॉन बी पावर एम मल्टीप्लाई ए अपॉन बी पावर एन, तो देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, ए अपॉन बी है। ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल्स देखो। तो जैसे मैंने लिख लिया 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 4, तो देखो क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पर 4 की पावर 3 और यहाँ पर 4 पावर 4 है, दोनों में बेस सेम है 4, तो पावर को क्या कर दोगे, ऐड, 3 प्लस 4 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास दो से ज़्यादा नंबर, जैसे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 11 मल्टीप्लाई 2 पावर 7। ठीक है, तो ये सभी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड, 3 प्लस 8 11 11 प्लस 11 22 22 प्लस 7 29। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर 29। ठीक है, तो इसमें आपको क्या रूल ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स है उनको आप ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो जैसे देखो हम अलजेब्रिक टर्म्स में करते थे, जैसे देखो मैंने किया एक्स स्क्वेयर वाई पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को एक्स की पावर 3 वाई पावर 4 से। तो देखो एक्स के लिए, फिर देखो यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर बेस सेम हुआ, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 प्लस 3 कितनी पावर हो गई, 5। वाई में देखो, वाई के लिए ये बेस, तो दोनों में सेम है 3 और 4 7। ठीक है, तो इस तरह आप जब इनको मल्टीप्लाई करते थे तो या ऐसे पावर ऐड होती थी। ठीक है, तो इस तरह इस लॉ से हमने क्या सीखा कि जब आपके पास बेस सेम हो तो आपके मल्टीप्लाई करने पर जितनी भी पावर है वो सब पावर ऐड होती चली जाएंगी। तो देखो जनरलाइजेशन ये है, तो देखें यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर एक पावर एम एन पी क्यू, मतलब कोई भी पावर हुई और बेस सेम है तो इन सभी पावर्स को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेकंड में क्या है, डिवाइड, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन, तो क्या आएगा, ए पावर एम माइनस एन, या तो डिवाइड कर रहे हैं या देखो अपॉन में है तो भी सेम होगा, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से, पहली वाले एक्सपोनेंट में से दूसरे वाले एक्सपोनेंट को, इसमें भी देखो इसमें एम में से एन को घटाना है। ठीक है, तो अगर ए अपॉन बी में हुआ बेस, देखो दोनों में सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो एक्सपोनेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 7 पावर 4 डिवाइड बाई 7 पावर 3, तो क्या आएगा, देखो बेस सेम है 7, तो 7 तो 7 ही रहेगा, 4 और 3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1, तो 7 पावर 1 इज इक्वल टू 7, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा देखो 8 अपॉन 4 पावर 5 डिवाइड बाई 8 अपॉन 5 पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा, देखो बेस सेम है 8 अपॉन 5, तो 8 अपॉन 5 को तो लिख दिया मैंने। ठीक है, 5 माइनस 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है
आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पहले वाली एक पावर या पहले वाले एक्सपोनेंट में से दूसरे एक्सपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर लिख। नेक्स्ट लो देखिए, पावर रेज टू द पावर, यानी देखो जब आपके पास पावर है और उसके ऊपर एक और पावर आप ले रहे हो तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ए पावर एम रेज टू द पावर एम क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एम एन, यानी उन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब जैसे देखो टू पावर फोर है और उसकी पावर थ्री है, तो आपसे पूछे इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पावर फोर है और उसकी भी पावर थ्री है, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी फोर मल्टीप्लाई थ्री, तो कितना आएगा, ट्वेल्व, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ जैसे देखो थ्री अपॉन फाइव पावर माइनस थ्री और उसकी भी पावर ले ले फोर, तो क्या आएगा, देखो थ्री अपॉन फाइव, यहाँ पर देखो पावर माइनस थ्री और उसके ऊपर पावर फोर, तो माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व, ठीक है। ऐसे ही और पावर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो इलेवन पावर फाइव और उसकी भी पावर टू अपॉन फाइव, तो अगेन जो मैंने आपको बताया, देखो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे टू अपॉन फाइव से, फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ गया आंसर, इलेवन पावर टू, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखें कि आप चाहे जितने भी पावर्स हो, जैसे देखो मैं लिख देता हूँ टू पावर थ्री पावर फोर पावर टू, तो क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो आपने ये ध्यान रखना है सभी पावर्स से पावर्स है, तो क्या करेंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो थ्री फोर और टू इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री फोर जा ट्वेल्व और ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ। जैसे देखो एक नेगेटिव नंबर है, सबसे पहले वन के लिए लेते हैं, देखो माइनस वन है, अगर पावर इसकी देखो वन हुई तो कितना आएगा, माइनस वन, ठीक है। माइनस वन पावर टू हुई तो कितना आएगा, प्लस वन। माइनस वन पावर थ्री हुई तो आएगा माइनस वन। तो देखो ये कैसे पता लगेगा कि कब माइनस वन आएगा और कब प्लस वन आएगा, तो इसका मैं कारण बता देता हूँ। देखो जब भी नेगेटिव, जैसे माइनस वन है, अगर इसकी जो पावर है वो इवन इंटीजर हुई, इवन इवन जैसे जीरो टू फोर सिक्स एट, आपको पता है इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, जीरो टू फोर सिक्स एट, ये हुए तो हमेशा प्लस वन आएगा। बट अगर माइनस वन है और इसकी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव ओड इंटीजर हुआ, जैसे वन थ्री फाइव सेवन, ठीक है, ओड इंटीजर हुआ तो हमेशा माइनस वन आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं कि कब प्लस वन लिखना कब माइनस, तो अगर एक्सपोनेंट इवन है यानी पावर इवन नंबर है, जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इस तरीके से, तो प्लस वन आएगा। अगर ओड नंबर है वन थ्री फाइव सेवन नाइन इस तरीके से, ऐसे ही ये रूल देखो, ये जैसे मैंने ले लिया कि एक नेगेटिव नंबर, जैसे मैंने ले लिया माइनस थ्री, ठीक है। अब इसकी अगर मैं पावर देखो टू लेता हूँ, तो देखो इवन है नंबर तो आपको पता है प्लस आएगा। अब देखो थ्री की पावर टू कितना होता है, नाइन, तो ये नाइन आ गया, ठीक है। बट अगर मैंने लिखा माइनस थ्री की पावर थ्री, तो थ्री क्या है, ये वाला थ्री जो है वो ओड नंबर है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब फिर आप थ्री की पावर थ्री कर सकते हो, थ्री की पावर थ्री कितना आएगा, ट्वेंटी सेवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती है, ये आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ लॉ में देखो, ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एन, क्या आ जाएगा, ए और बी, देखो पावर सेम है, अब बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर उनकी जो भी गिवन है वो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिखा फोर पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव पावर थ्री, बेस यहाँ पर फोर है पावर थ्री है, यहाँ पर बेस फाइव है एक्सपोनेंट या पावर थ्री है, तो देखो दोनों में एक्सपोनेंट सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन आ जाएगा फोर इंटू फाइव
और पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो पावर है वो कॉमन आउट हो सकती है कब, जब पावर कॉमन हो। ठीक है, तो 4 × 5 क्या आ जाएगा, 20 × 3। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूँ, देखो −2/3 × 2 × 3/2। देखो पावर 2 कॉमन है तो इनको एक साथ ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3/2 × 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा −1/2। और अभी मैंने बताया था −1 पर अगर इवन पावर हुई, इवन एक्सपोनेंट हुआ तो क्या आएगा, +1। ठीक है, नेक्स्ट लो देखिए, a/m/b/m = a/b/m, यानी कि अगर डिवाइड कर रहे हो, पावर सेम है तो पावर दोनों की सेम हो जाएगी और आप डिवाइड कर सकते हो। देखो देखो 4/3/2/3, तो देखो 4/2/3 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितने पर, 2 पर, तो इसका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, यानी कि 8, अगर पावर में कहा जाए तो पावर में इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर पावर सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो पावर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और फिर नंबर को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आती है। देखो जैसे आपने कई बार लिखा हो, देखा होगा a1/5, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप कैसे लिखते हो, देखो मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ कि देखो जब ये है 1/5/3, तो ये जो 1/5/3 है, तो 1 को आप कोई भी पावर दे सकते हो, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 1/2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो वो भी 1 ही रहनी है। तो आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 1/3। अब आप लिख सकते हो इसको 1/5/3। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे 1/a/m है, इसको आप लिख सकते हो 1/a/m। ठीक है, केवल किस केस में, 1 के केस में, 1 के अगर 1 के बजाय अगर कोई दूसरा नंबर होता तो आप ऐसे नहीं लिख पाते। 1 के लिए क्यों लिख पा रहे, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। 1/2, चाहे 1/100, 1/1000, हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लो देखो, इम्पोर्टेंट है, एनी नंबर पावर 0 = 1। ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो हमेशा 1 रहेगा, केवल एक नंबर केस में, वो है 0। अगर 0/0 आ गया तो वो 1 नहीं होगा। ठीक है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अगर एक नॉन जीरो नंबर हुआ और उसकी पावर 0 हुई तो हमेशा 1 आएगा। इसका प्रूफ मैं आपको बताऊँगा बाद में, इसके एग्जाम्पल्स देखो, बिल्कुल सिंपल है। जैसे 5/0 है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 आएगा। −2/5/0 है, ये भी 1 आएगा। −3/4 × 7/5, या कितनी भी, चाहे 10 नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, चाहे 20 नंबर मल्टीप्लाई में हो, अगर पावर 0 है तो आंसर आपका रहेगा 1। बस मैंने आपको क्या शर्त बताई कि वो 0 नहीं बनना चाहिए अंदर। ठीक है, बाकी कोई भी केस हो, अगर पावर 0 है तो 1 आएगा। ऐसे ही देखो, अगर किसी भी नंबर की पावर 1 हुई, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। जैसे 2/1, 2, −5/1 कितना आ जाएगा, −5। ठीक है, अब जो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है नेगेटिव पावर वाला। ठीक है, नेगेटिव पावर हो तो उसको कैसे पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे, या अगर पॉजिटिव पावर हुई, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हुआ, तो उसको कैसे नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, देखो किसी नंबर को हम नेगेटिव पॉजिटिव अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर पावर को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो स्टूडेंट, a/−m है, आपको कहा जाए कि ये जो पावर −m उसको प्लस में कन्वर्ट करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो, आपको उसको पॉजिटिव बनाना, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। अब ये देखो, ये a है, तो a का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/a और उसकी पावर m।
अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे इसको देखो 1/a भी लिख सकते हैं या इसको हम 1/a^m भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। ठीक है, तो a^-m 1/a^m भी लिख सकते हैं या उसको 1/a^m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपके पास नेगेटिव पावर है आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे a^(b)-m है तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव पावर बनानी है, अगर पॉजिटिव बनानी है तो रेसिप्रोकल कर दो इसका b/a^m। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव, आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो आप b/a^m करें। अब आपके पास क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि पॉजिटिव बनाना ही क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो जैसे 2^-3 है। अब मैं आपसे पूछूँ 2^-3 क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं, पावर माइनस है, ये ध्यान रखो पावर माइनस है। तो आप पहले पावर को ऐसे ओपन नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने बताया 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अब इसको 1/2^3 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/2^3 लिखेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 तो कितना आएगा 1/8। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपके पास, मान लो आपके पास नंबर ऐसे है 1/5^-2, इसका आप क्या करेंगे। अब देखो तो आप कहेंगे कि सर 1/5 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/1। अब अपॉन में जो 1 है वो लिखना कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो 1/1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्या लिख देंगे 5/2। तो 5/2 क्या जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25। तो इसलिए आपको ये जो ला था ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी नंबर की पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो आपके पास ये आए, आपके पास है 3/4, आपको कहा जाए कि जो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव चाहिए मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/3^-4। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ कैसे करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 कैसे आएगा। तो देखो मैंने ले लिया a^0, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है इसको 1। तो देखो अगर मैं 0 ले रहा हूँ पावर, तो 0 देखो कब आता है, जब आप नंबर किसी नंबर में से वही नंबर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने ले लिया कि 1 − 1, ठीक है, a^1 − 1। ठीक है, अब देखो अब ये ला ध्यान रखिए, देखो पावर माइनस कब होती है, पावर माइनस कब होती है, या आप ऐसे ले लीजिए एक मिनट के लिए, देखो a^1 − 1 है तो a^1 × a^-1। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इनको ऐड करेंगे तो 1 − 1 आएगा। अब देखो किसी भी नंबर की पावर 1 तो वही आ गया। अब −1 पावर है, −1 पावर को आप क्या लिख सकते हो पॉजिटिव बनाने के रेसिप्रोकल, तो 1/a आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a से a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 1 अगर 0, a की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1/a डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लास्ट समझ में आए होंगे। गुड लक।